नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल। एक नई श्रृंखला का आज से हम प्रारंभ करते हैं, यूपीएससी मेंस फिलॉसफी। और इसमें भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, क्योंकि जो मैंने रिव्यू किया इतने सालों में, बच्चों को वेस्टर्न फिलॉसफी को लेकर बड़ा डर है कि सर वेस्टर्न फिलॉसफी समझ में नहीं आती है। तो हम ये एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं, फिलॉसफी बाय श्रीहर। इसके अंदर हम फिलॉसफी के जो भी कंसेप्ट है एक टॉपिक उठाएंगे सिंगल डे का और उसे हम पढ़ेंगे। आज का जो ये क्लास है इसके अंदर हम एक यूनिवर्सल टॉपिक उठाने का प्रयास करेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जो विचारधाराएं चलती है, जो आइडियोलॉजी चलती है या जो उनका काम करने का तरीका है, हम जस्ट उसके ऊपर एक बार बात करेंगे। ये आपको पता होगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर दो प्रमुख धाराएं काम करती है, एक है आपका इंपिरिसिज्म, एक है आपका रैशनलिज्म, एक है आपका अनुभववाद और एक है आपका बुद्धिवाद। अब शब्दों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, बुद्धिवाद जिसमें कहीं ना कहीं बुद्धि की प्रधानता होगी, अनुभववाद जिसमें कहीं ना कहीं अनुभव की प्रधानता होगी। अच्छा, अनुभव का मतलब क्या? अनुभव को हमने जोड़ा कि जहां पर ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बुद्धिवाद। जहां पर ज्ञान तर्क के द्वारा, बुद्धिशीलता के द्वारा होता है, उसे हमने कह दिया बुद्धिवाद। पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में ये दो ही आइडियोलॉजी चलती थी एक सर्टेन टाइम के अंदर। कुछ लोग बुद्धिवादी थे, कुछ लोग अनुभववादी थे। जो लोग ये कहते थे कि भैया ज्ञान के लिए इंद्रियां इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑर्गन्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव टू योर माइंड और योर एनालिटिकल स्किल्स, वो सारे लोग अनुभववादी हो गए। जैसे मान लीजिए मैं इंडियन फिलॉसफी की बात करता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो इंडियन फिलॉसफी में आप चार्वाक का अध्ययन कीजिएगा। चार्वाक कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और प्रत्यक्ष के जैसा कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष मीन्स वॉट? द सेंस ऑर्गन्स जो है आपके, सेंस ऑर्गन्स की मदद से जब मैं नॉलेज करता हूं तो नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स नॉट ओनली विजिबिलिटी, केवल देखना भर नहीं, पूरी पांच इंद्रियों के द्वारा किसी विषय का ज्ञान करना इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। तो वो अनुभववादी है, हालांकि चारवार का सब्जेक्ट एकदम अलग है, वो अनुभववादी भी है तो वो बुद्धिवादी भी है। लेकिन जस्ट एक आपको समझाने के लिए कि चारवार अनुभववादी था क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान को प्रधानता देता था। दूसरी बात, अनुभववाद कहता है कि अनुभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिवाद कहता है बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अनुभववाद ने कभी यह नहीं कहा कि बुद्धि से ज्ञान नहीं होता, बुद्धिवाद ने कभी यह नहीं कहा कि अनुभव से ज्ञान नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, अनुभववाद आपको कह रहा है कि ज्ञान के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण होती है अनुभव, इंद्रियां, और बुद्धिवाद कह रहा है कि ज्ञान के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण होती है बुद्धि। मीन्स मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो है वो अनुभववादी कहेंगे अनुभव के पास है, बुद्धिवादी कहेगा बुद्धि के पास है। कहानी क्लियर है? अनुभववाद को मानने वाले आपके लॉक, बर्कले और ह्यू, बुद्धिवाद को मानने वाले आपके डिकार्ट, स्पिनोजा, लिबनिट्स। अब एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग रिलेशन देखिएगा इनके बीच में, आप लॉक और डिकार्ट, बर्कले और स्पिनोजा, ह्यूम और आपका लिबनिट्स। लॉक ने कहानी शुरू करी, यहां डिकार्ट ने कहानी शुरू करी। बर्कले लॉक की कहानी को थोड़ा सा आगे लेके गया, स्पिनोजा डिकार्ट की कहानी को थोड़ा सा आगे लेके गया। ह्यूम जिसने अनुभववाद को पराकाष्ठा पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि उसके बाद अनुभववाद डिफाइन हो ही नहीं सका, ह्यूम लास्ट था। उधर से लिबनिट्स जिसने बुद्धिवाद को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, उसके बाद बुद्धिवाद में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन देखिएगा, दोनों साइकिल के अंदर, दोनों सीक्वेंस के अंदर जो बीच वाले हैं, इधर से बर्कले इधर से स्पिनोजा, दोनों भगवान के उपासक हैं, दोनों ने ईश्वर की व्याख्या करी है। तीसरी बात देखिएगा, ह्यूम ने अनुभववाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जो वो संभव कह सकता था उसमें वो सब कुछ कहा, जो फैक्चुअली या रियल में जो सच में अनुभववाद था ह्यूम ने लोगों को वो समझाया। उधर से लाइबनिट्स ने भी वही किया।
डिकार्ट के पास शायद सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, लॉक के पास शायद सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, लेकिन ह्यूम के पास थे, लाइबनिट्ज़ के पास थे। अब इस लड़ाई को देखकर एक व्यक्ति आता है जो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अनुभववादी हूं या बुद्धिवादी हूं। वो अपने जीवनी में लिखता है कि जीवन के प्रारंभिक समय में मैं लॉक से बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे मैं डिकार्ट के पास पहुंचता हूं, डिकार्ट को पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है डिकार्ट ज्यादा सही है। जब ह्यूम आया, जब लेबनिट्ज़ आया, मैं तब भी कंफ्यूज हो गया कि ह्यूम भी सही है, लेबनिट्ज़ भी सही है। लेकिन फिर मैंने अंत में एक निष्कर्ष निकाला, ये दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। तो मैंने एक मेरी नई फिलॉसफी बनाई, द एनालिटिकल फिलॉसफी बनाई, किसने? इमैनुअल कांट। कांट कहता है ना तो अनुभववादी गलत है ना बुद्धिवादी गलत है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो अनुभववादी सही है ना बुद्धिवादी सही है। अनुभववादी आपसे कहता है कि जो ज्ञान है वो अनुभव से होगा, बुद्धिवादी कहता है कि ज्ञान है जो बुद्धि से होगा। कांट कहता है ज्ञान तो दोनों से होता है। कांट ने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम नॉलेज के रास्ते में पहुंचते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द नॉलेज जो होती है वो अनुभव से होती है, बट नॉलेज का जो कंक्लूजन है वो बुद्धि के पास आकर होता है। आप किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अनुभववाद, इंफॉर्मेशन माइंड में जाती है, माइंड उस पर काम करता है और आपको एक नॉलेज दे देता है, दैट्स इट। कांट ने पूरी कहानी, पूरी लड़ाई को खत्म किया अनुभववाद और बुद्धिवाद को। आपके सिलेबस में सात फिलोसफर्स हैं, लॉक, बर्कले, ह्यूम, डिकार्ट, स्पिनोजा, लिबनिट्स और कांट। वेस्टर्न फिलोसफी में इस प्रकार आपको 10 फिलोसफर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सात तो हमने यही खत्म हो गए। फिर एक है आपका हीगल और एक है प्लेटो और एरिस्टोटल, दैट्स इट, यही आपका सिलेबस है। पूरी कहानी के तरह से अगर आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप कभी भी कोई टॉपिक भूलेंगे ही नहीं, आप कोई टॉपिक नहीं भूलेंगे। जब हम अगली क्लास में एक थिंकर को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले क्या था, इसके बाद में क्या था, ये क्या कहता था, इसके बाद क्या क्या हुआ, आप उस कहानी को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। मैं कहता हूं जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी किताब बंद कर दीजिए, आंख बंद करके केवल सुनिए, इसे दिमाग में फिट कर लीजिए, लाइक पॉडकास्ट, ये रट जाएगा आपको। तो अगले लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक फिलॉसफर को लेकर आएंगे और स्पेसिफिक फिलॉसफर की स्पेसिफिक थ्योरी को लेकर आएंगे। मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं मेरे नए अंदाज में पढ़ा रहा हूं, नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, वही तरीका जो मैं आज से 10 साल 12 साल पहले पढ़ाया करता था, सेम तरीका वही है, अटायर चेंज हो गया होगा लेकिन तरीका वही है। सो जुड़े रहिए, मिलते रहिए, बात करते रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।